अगर बॉर्डर पर कुछ करने का आदेश होगा तो बॉर्डर पर जाएंगे, बैरियर को तोड़ेंगे और तन मन धन से लड़ने का काम करेंगे और उन भाइयों को यहां से निकालने का काम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर अपनी जो मांगे अधूरी रही। खट्टर सरकार की तो हम ही नहीं मानते, खट्टर से हम है कि हमसे खट्टर है। आने वाले टाइम में जो बैरिकेड आज सड़कों के ऊपर है, गाँव के बाहर भी लगेंगे। और जब लोग नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन 2 यानी कि 13 महीने जब किसान आंदोलन चला था उस टाइम पर भी तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आए थे। फिलहाल किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, कल खनौरी बॉर्डर के ऊपर है एक नौजवान किसान की शहादत हो जाती है, उम्र 23 साल, शुभकरण की, उसको लेकर के अब हरियाणा के अंदर भी जो किसान आंदोलन की जो चिंगारी है वो तेज़ हो चुकी है। क्योंकि इस टाइम विधानसभा क्षेत्र जो उचाणा है, भाई ऑन रोड हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। ये भाई दिखा दे एक बार, उचाणा के किसान भाई हैं, ये वही बुजुर्ग किसान है जिन्होंने 13 महीने आंदोलन लड़ा था, कह रहे थे उस टाइम पर भी और अब भी कह रहे हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे। किसान लगातार एक ही बात कहने लग रहे हैं कि जब तक मोदी सरकार या कोई भी सरकार हो, MSP का जो मुद्दा है कि MSP का जो गारंटी कानून है वो नहीं बनाती, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं करती, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई आज़ाद पाल हुआ है, डॉक्टर सिक्कम है, बाकी जितने भी बुजुर्ग किसान हैं सभी हमारे साथ, नौजवान आपका क्या नाम है? सुनील कुंडू है, सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आज़ाद भाई, सबसे पहले तो राम राम। राम राम आपको और आपके दर्शकों को, राम राम। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के? पूरे देश की नज़र इस आंदोलन के ऊपर बनी है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कमेंट करते हैं कि तो केवल पंजाब का आंदोलन है, कोई बोलता है कि तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, कोई अलग अलग प्रतिक्रिया इस आंदोलन के ऊपर देने लग रहा, आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार का जो चाल चरित्र और चेहरा जी खुलकर अब जनता के सामने आ चुका है। सरकार किसी भी कीमत पर किसान मजदूर को कुछ नहीं देना चाहती। ये सरकार पूंजीपतियों के हाथे बिकी हुई है, जबकि कॉरपोरेट घरानों के तो 25 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए और किसान मजदूर का एक पैसा भी माफ़ नहीं कराया। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री से पहले लखनऊ रैली के अंदर स्पष्ट कहा था कि पहले ही कलम से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही किसान मजदूर का कर्जा माफ़ करने का काम करूँगा। और जो किसानों के खिलाफ कृषि कानून आए, 13 महीने हमने आंदोलन को शांति संयम और अनुशासन में लड़ा, देश के सबसे बड़ा तानाशाह को झुकाने का काम किया। वो आंदोलन भी झूठ बोल के न स्थगित करवाने का काम किया, जो उसी झूठ का परिणाम है आज यो किसान टू आंदोलन चलिया। और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, कुचलने के लिए अब भी सरकारें साजिश रच रही है। पहले तो बैरिकेड लगाकर, किले बिछाकर किसान भाइयों को रोका गया, उनको उकसाया गया। और कल जो गोली कांड हुआ है, एक हमारा जो नौजवान साथी था 23 वर्षीय शुभकरण नाम का नौजवान साथी, उस गोली का शिकार होया है, उसकी हत्या प्रशासन द्वारा की गई है। क्योंकि स्पष्ट दिखाई देती थी कि जो गोली लगी है निशान के हिसाब से वो पक्की गोली थी, जबकि पुलिस कह रही है कि हमने तो रबड़ की गोलियाँ चलाई है। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आपने देखा होगा लाठी भी चार्ज हुई है, ट्रैक्टर तोड़े गए। ये जो गोरे अंग्रेज थे उनको भी माफ़ करके, ये काले अंग्रेज इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। इसलिए उसके विरोध में हमने उचाणा के अंदर सभी किसान संगठनों की राय शुमारी से यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाने का काम किया है। और जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी संदेश होगा, अगर बॉर्डर पर कुछ करने का आदेश होगा तो बॉर्डर पर जाएंगे, बैरियर को तोड़ेंगे। अगर दिल्ली चलने का होगा तो दिल्ली का, क्योंकि आज जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही है, जैसा संदेश आएगा उसी के अनुरूप हम कार्य करने का काम करेंगे। पंजाब के किसान यदि कहते हैं कि बॉर्डर तोड़वाने में सहायता की जाए तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ये कोई अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है और पूरे देश का किसान इस आंदोलन को इस नज़र से देख रहा कि पंजाब का किसान क्या कहता है और संयुक्त किसान मोर्चा क्या कहता है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन पर नज़र टिकाए हुआ है,
और संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 तारीख को ऐलान कर दिया था कि हम किसान पंजाब के किसानों के साथ है। एक बार तो मना किया था कि हमारी कॉल नहीं है, वो 13 तारीख की बात थी और 13 तारीख की कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की थी भी नहीं। हाँ। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कहा था अगर इन किसान भाइयों के साथ कोई छेड़खानी की गई, इनको रोका गया या बदतमीजी की गई तो संयुक्त किसान मोर्चा साथ है, 14 तारीख को उनके साथ आ गया। लेकिन बात यह हो जाती है कि भाई हमारी मांग और मुद्दे वो उन्हीं भाइयों के हैं जो पंजाब वाले बॉर्डर पे बैठे हैं, वो हमारे एक है, आंदोलन भी हमारा एक है। लेकिन एक मीडिया प्रचार कर रहा कि किसानों में फूट, फिर फूट कहाँ है जब मांग मुद्दे हमारे एक है। संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन कर रखा है, संयुक्त किसान मोर्चा अपने तरीके से आंदोलन को लड़ रहा, वो लोग अपने तरीके से लड़ रहे हैं, कमी कहीं नहीं है, सिर्फ ये मीडिया का प्रचार है। और इस प्रचार ये मैं कहूँ मीडिया का नहीं, सरकार का प्रचार है। सरकार की नीति खराब है, एक तरफ जनता के लिए जनता को भी परेशान करना चाहती है। आपने बताया किसान कितना इंटरनेट का यूज करता है, आम जनता को परेशान करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। छात्र कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आज पढ़ाई का समय है और जब वैकेंसी निकली हुई है ओटीपी नंबर भी नहीं आता और पेपर देने हैं, मार्च में तो पेपर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल बड़ी दिक्कत बच्चों को आ रही है। आज ऑनलाइन सारा सिस्टम कर रखे उसमें दिक्कत है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक को तंग कर, बैरिगेट लगा रखे है, वो बॉर्डर पर रोक रखे है लेकिन रास्ते में बैरिगेट लगा रखे है, किस लिए? इसलिए परेशान पब्लिक को भी किया जा रहा है और यह सरकार की साजिश है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को गुमराह किया जाता है। किसान एक है, मांग मुद्दे एक है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कह रहे हैं किसान लगातार की लड़ेंगे और जीतेंगे, डॉक्टर सिकम जी हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? शहादत हो गई है वहाँ पर एक नौजवान किसान की। नहीं, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि एक नौजवान साथी हमारा बीच नहीं रहा। हाँ। और हम चाहेंगे कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, पर ये जो शहादतें हैं ना ये बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि ये शहादतें कोई भी आंदोलन होता है, आपको भी पता है कि शहादतें हमेशा कोई भी आंदोलन है शहादतें मांगता है और हर आंदोलन में शहादतें होती हैं, पर ये है कि जीत हमारी होगी क्योंकि जो किसान है लगातार वो लड़ रहे हैं और लड़ ही नहीं रहे, हम लड़ते लोग जिंदाबाद, क्योंकि जो सरकार ने हमारे ऊपर एक टॉर्चर का एक तरीका अपनाया है, बैरिकेड्स लगाया है, इंटरनेट बंद किया है, ये एक मुझे लगता नहीं लोकतंत्र का कोई हिस्सा है, लोकतंत्र से बाहर की बातें हैं, देश के अंदर है घोषित इमरजेंसी है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जो किसान साथी उनके साथ बात करे, जो शहादत हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, और यदि इसके बाद सरकार बात नहीं करती तो फिर वही बात है कि हथियार रखे हैं चलाना नहीं भूले, सरकार शायद भूल रही है। आज उचाना के अंदर हमने पक्का मोर्चा लगा दिया है, हम संयुक्त मोर्चे की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, यदि सरकार ने हमारे संयुक्त मोर्चे ने एक बार इशारा कर दिया कि दिल्ली चलो तो दिल्ली तक कोई बैरिकेड्स नहीं छोड़ेंगे, यदि हमारे संयुक्त मोर्चे ने कहा कि अपने पंजाब के भाइयों को लेके आओ तो पंजाब का जो बॉर्डर हमारे पास खनौरी बॉर्डर लगता है उसको तोड़ने का काम करेंगे और हम अपने बड़े भाई को लेके जाएंगे। जैसे पहले बॉर्डर तोड़ने की बात कही जा रही है लेकिन हरियाणा के सीएम ने तो कहा है कि अब की बार नहीं घुसने देंगे, पिछली गलती नहीं करेंगे अब की बार। नहीं, खट्टर सरकार की तो हम ही नहीं मानते, खट्टर से हम है कि हमसे खट्टर है, आने वाले टाइम में जो बैरिकेड्स आज सड़कों के ऊपर है गाँव के बाहर भी लगेंगे और जब लोग वोट मांगने आएंगे 2 महीने के बाद बीजेपी और जेजेपी के, जो हालात हमारे साथ पेश किए हैं ऐसे हालात उन्हें गाँव के अंदर पेश करने पड़ेंगे हमें, ताकि इन सरकार को ये पता चले कि जो दिल्ली और आप चंडीगढ़ बैठे हो आपके बाप की मतलब जागीर नहीं है, ये हमारे वोटों से बनी हुई लोकतंत्र एक सरकार है, वो हमारे हकों के लिए हमने वहाँ बिठाया उनको, यदि वो हमारे लिए गलत इस्तेमाल करेंगे कलम का तो हम आने वाले टाइम में इनको इनके औकात दिखाने का काम करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, जो पूरे देश की जो नज़र टिकी है, सुनने में आ रहा कि कल हरियाणा की जो जत्थेबंदी है कल पंजाब बॉर्डर की तरफ जाएगी। हम संयुक्त मोर्चे का ऐलान के मतलब इंतजार में हैं और संयुक्त मोर्चे के भी अलावा जो जींद की मतलब जत्थेबंदियां हैं उनकी निगाह पूरी तरह खनौरी बॉर्डर पर। हम ये एक बात ही कहना चाहते हैं इस देश को कि आप विश्वास रखिए, हम बिल्कुल उन भाइयों के साथ हैं और तन मन धन से लड़ने का काम करेंगे और उन भाइयों को यहाँ से निकालने का काम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर अपनी जो मांगे अधूरी रही हैं जिससे सरकार ने एक समझौता किया था, वादा खिलाफी की है,
तो वहाँ तक जाके लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करना सबका हक है और उनको हक उनका दिया जाना चाहिए। हमारे सड़क से सिर्फ वो जा रहे हैं, यहाँ कोई किसी तरह का नुकसान नहीं कर रहे। तो जो खट्टर सरकार है ये आपको पता है कि मोदी के इशारे से चलता है और खट्टर तो पानी भी मोदी से ही पूछ के पीता है। ये हमारे लिए बड़ी मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे लिए हमारे बुरे भाग लगाओ या बुरा कर्म लगाओ कि हमें ऐसे नकारा इंसान को मुख्यमंत्री बनाया जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। जी सुनील भाई क्या कहना चाहेंगे, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं किसानों को कि ट्रैक्टर ट्रैलियां मत लेकर क्या है, बस में बैठ कर जाए रेल में बैठ करके जाए, आपको कौन रोक रहा है? देखिए पहले तो आपको और आपके दर्शकों को राम राम, राम राम। खट्टर चाहे कुछ भी कहे, आज हम जींद के अंदर पक्का मोर्चा कल लुचाने के अंदर लगा दिया और जींद के अंदर धारा 144 लागू है। कल हमने पूरे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बीजेपी के मुख्यालयों को घेरा। कल जींद के अंदर भी बीजेपी मुख्यालय पे 400 से 500 आदमी थे, आज भी यहाँ 400 से 500 आदमी थे, ये धारा 144 तो हमने तोड़ दी। जहाँ तक आंदोलन की बात है, संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी की मीटिंग चंडीगढ़ में अभी चल रही है, जैसे ही मोर्चा आदेश करेगा उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर बॉर्डर तोड़ने का आदेश करेगा तो 5 मिनट नहीं लगाएंगे इस दाता सिंह वाला बॉर्डर को तोड़ने में, और अगर 5 मिनट नहीं लगाएंगे जी, लेकिन सरकार की निगाहें भी हैं, वो भी कह रही कि हम भी 5 मिनट नहीं लगाएंगे जेल में डालने के लिए। बिल्कुल, 3 साल पहले जो ऐतिहासिक आंदोलन हमने 3 काले कानून के खिलाफ शुरू किया था, उस वक्त भी हमने 5 मिनट नहीं लाई थी और खट्टर सरकार उस वक्त ही ये कह रही थी। उस वक्त भी हमारी गिरफ्तारियां हुई थी, उस वक्त भी हमारे ऊपर केस हुए थे, हमारी शहादतें हुई थी। ये जो लड़ाका कौम है ये शहादतों से गिरफ्तारी से डरने वाली नहीं है। हम संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश के इंतजार में हैं, जैसे ही हमारे बुद्धिजीवी आगू नेता आदेश करेंगे हम बॉर्डर तोड़ने का काम भी करेंगे, हम दिल्ली के अंदर एंट्री करने का काम भी करेंगे और हम संविधान के अंदर ये अनुच्छेद भी डलवाने का काम करेंगे कि MSP पे C2+50% के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खरीद गारंटी का कानून बनेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जी एक बात बताओ, खट्टर सरकार ने कहा भाई ट्रैक्टर ना ले आओ, ट्रैक्टर कोई टैंक है क्या? मतलब इतना डर लगा है कि ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर ट्रालियों में कह रहे हैं कि हथियार लेकर के जाओगे। नहीं एक बात बताओ, पीछे भी हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, वहाँ एक जीव जंतु को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वहाँ के जो गरीब लोग थे उनका पेट भरने का काम किया। जो 2% सिख हमारे भाई हैं, आपको भी पता कहीं भी आपदा आती है तो ये लोग बड़ी सेवा भाव करते हैं। और कुछ दिन पहले एक IPS के ऊपर भी कहा था कि ये खालिस्तानी है, यदि आप लोगों ने ऐसे ही बॉर्डर खींचे तो खालिस्तानी बनना इनकी मजबूरी है। मैं तो ये कहती हूँ आपको, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अपने पंजाब बॉर्डर को सील कर दो। ऐसी बातें कह रही हैं, देश के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा आपको ऊपर लग सकता है। मेरी बात सुनो, यदि यही काम सरकार कर रही है, मैं कह रही हूँ सरकार कर रही है, फिर ये मुकदमा सरकार के ऊपर भी होना चाहिए। और दूसरी बात, ट्रैक्टर ट्रैली के बिना वहां रहेंगे कैसे? वहां ना तो मोदी सरकार ने टेंट लगा रखे, ना खाने का प्रबंध कर रखा, तो फिर सरकार एक काम करे, हमें बटे हुए बना ले, राम उड़े बैठ कर आराम तय हमारी खतरदारी करे, हम फिर आराम तय बैठे रहेंगे। पर सरकार हमने लिखित में दे भाई हमारे खाने का पीने का रहने का सारी व्यवस्था दुरुस्त करी जाएंगी। नू नहीं भाई, हमने बैरिकेड्स करके जिन्हें यू की तरह आराम हमारा पर लाठी चार्ज कराया जावा, और ट्रैक्टर के अंदर नहीं, ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है और हम ट्रैक्टर ट्रैली के साथ ही जाएंगे, क्योंकि किसान का जो साधन है वो ट्रैक्टर ही है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहाँ पर है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से ये पक्का धरना यहाँ पर लगा दिया है। साथियों तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर हैं, ये ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिस किसान आंदोलन के ऊपर पूरे देश की नज़र टिकी है वो लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने लग रहे हैं। आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी, कल बॉर्डर के ऊपर सुनने में आ रहा है कि हरियाणा के लाखों किसान पहुंचने वाले हैं, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंतर के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।